हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 10 ऐसी कैटेगरीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि 2021 के अंदर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स मतलब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, स्नैपडील या शॉपिफाई किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हो, ये कैटेगरीज ऐसी हैं या बिगनर हो या कोई बंदा एडवांस या आगे टाइम के अंदर जाके भी वो कर रहा है काम, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है उसे, तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती हैं। तो टॉप कैटेगरीज 10 कैटेगरीज के अंदर आएंगे। लास्ट में हम आपको टॉप 3 कैटेगरीज बताएंगे जिसके अंदर मैक्सिमम ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं हूं अनस मलिक और आप देख रहे हो एकॉम सॉल्यूशन। तो हमारी पहली कैटेगरी आती है टॉप 10 कैटेगरीज के अंदर, फिटनेस इक्विपमेंट्स के अंदर। आपको पता होगा 2021 के बाद बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स और बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हो चुके हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा फिटनेस इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे, एक बहुत ज़्यादा फैक्ट बता दूँ, साइकिल इस साल बहुत ज़्यादा उठी हैं और साइकिल के प्राइसेस 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैंगे, तो ये सॉरी 20 गुना ज़्यादा परसेंट बढ़ चुका हैगा, तो इतना ज़्यादा ये फिटनेस इक्विपमेंट ज़्यादा चीज़ें खरीदे जा रही हैं। इसीलिए हमारी टॉप स्टार्टिंग की 3 कैटेगरीज जो हैं वो है फिटनेस इक्विपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका फिटनेस गैजेट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डील करते हो तो आप फिटनेस गैजेट को भी अपने अकाउंट्स के ऊपर लिस्ट कर सकते हो, जिससे आपकी वहाँ पे भी सेल ग्रोथ होगी। आप कुछ देख रहे होगे इस तरीके के आप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी हमारी जो निकल के आती है वो आती है फिटनेस की वियर्स। फिटनेस वियर बोल सकते हो आप उसको या स्पोर्ट वियर बोल सकते हो। अगर आप देखोगे क्लोदिंग के अंदर जाते हो उसका कमीशन रेट और स्पोर्ट वियर का कमीशन रेट दोनों अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्ट वियर का अलग हमेशा कम ही मिलेगा आपको देखने के लिए, और इसकी रिटर्न पॉलिसी भी थोड़ी सी अलग रहती है, तो आप इसके अंदर डील कर सकते हो, इसमें ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगेगा। ये 3 कैटेगरी आपकी हो गई। उसके बाद हमारी चौथी कैटेगरी निकल के आती है ऑफिस के आइटम्स। आपको पता होगा 2021 में लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम चालू हो चुका है, और उसके बाद भी अगर आप देखोगे स्टेशनरी आइटम के अंदर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप तरीके से स्टेशनरी आइटम बोल सकते हो और ऑफिस आइटम, पेन से लेके फाइल तक हर एक चीज़ से आप उसके अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर आपका आइटम बल्की भी नहीं होता और आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, और इसकी डिमांड भी अच्छी है। उसके बाद एक 5वीं कैटेगरी जो हमारी निकल के आती है वो ये है जो हमेशा चलती है, ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम चल रही है, पर इसमें अभी बूम देखने को मिला है। अगर आप ई कॉमर्स की बात करो तो टॉयज़, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा सेल हुए हैं क्योंकि आप भाई बच्चे पैदा होना बंद नहीं हो रहा है, हुए जा रहा है और लोगों की डेथ भी हो रही है। तो टॉयज़ या बेबी प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कभी सीज़न वाइज नहीं चलते, इनका कोई सीज़न से लेने देना नहीं है। आप लिस्ट करोगे ये डेफिनेटली आपको सेल ला के ही देंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर उसमें जा सकते हो। उसके बाद हमारी 6th कैटेगरी निकल के आती है पेट की, पेट एसेसरीज़ या पेट फूड। बेसिकली सिंपल आप समझ रहे हो, ये 2 कैटेगरीज़ को मैं आपको एक कैटेगरी के अंदर बता रहा हूँ। अगर आप पेट एसेसरीज़ में जाते हो, डॉग हुए, कैट हुई, फिश हुआ, तो उनके लिए आप बहुत सारी एसेसरीज अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ना कभी सोचना नहीं पड़ता कि आपको कुछ नया क्या डालना है, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे से मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया बिल्ड करते रहते हैं। तो जैसे जैसे वो नया बिल्डिंग करते रहेंगे आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको सिर्फ अवेयर रहना है या उनसे कॉन्टैक्ट में रहना, उस तरीके से आपका स्टोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और सेल की बात करी जाए तो बहुत सेल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें कम मिलेगा आपको। जैसे उसी जगह पर अगर आप टॉयज़ को देखोगे तो टॉयज़ का कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अपनी टॉप 3 कैटेगरीज के अंदर, तो उसके अंदर पहली कैटेगरी हमारे को देखने को मिलती है होम यूटिलिटी। होम यूटिलिटी क्या है? अगर आप होम यूटिलिटी में मतलब एक तरीके से आप किचन का सामान बोल सकते हो, या घर में यूज़ होने वाला कोई भी ऐसा सामान जो कि छोटा हो, 500 रुपये से कम का प्राइस का हो। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर 500 रुपये से कम के प्राइस की चीज़ों को सेल करते हो तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। एक फिगर आउट है, बहुत मैंने मतलब इतने रिसर्च में समझा हुआ है, अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये 2000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट होता है तो कस्टमर थोड़ा कम बाय करता है उसे। पर अगर उसी जगह पर अगर वो आपका प्रोडक्ट छोटा प्रोडक्ट है, मतलब कि 100 रुपये से लेके 500 रुपये के अंदर का, तो उसकी बाइंग परचेसिंग प्राइस बहुत सोचने में उसको टाइम नहीं लगता, फटाफट खरीद देता है, तो उसकी वजह से आपकी सेल बहुत बढ़ जाती है। ये हमारी 3 कैटेगरी में अप्लाई होता है। तो पहली तो हो गई हमारी लास्ट टॉप 3 में होम यूटिलिटी, सेकंड हमारी कैटेगरी आ गई ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या है, और ये कैटेगरीज में एक चीज़ और अच्छी है, आप इनको जेनरिक या ब्रांडेड दोनों चीज़ों में लेके चल सकते हो। यहाँ पर अपना खुद का ब्रांड भी आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उन्होंने खुद के हेयर ऑयल निकाल लिए, लिपस्टिक। आपको क्या करना है, आपको एक सही मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, आप उसको कोई भी ब्रांड उठा सकते हो, या ऐसे बहुत सारे लोकल ब्रांड है जिनका कोई नाम नहीं है, आप नेल पॉलिश में जा सकते हो, उसी बहुत सारी चीज़ें उसकी सेल बहुत होती है क्योंकि उसका प्राइसिंग कम रहता है। और अभी के टाइम में ई कॉमर्स के अंदर अगर आप एक रेशो देखोगे मैन वर्सेस वुमेन परचेसिंग का, तो वुमेन का रेशो लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ा है।
तो यहाँ पर वुमेन नीड एसेसरीज को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ हमारी लास्ट और टॉप कैटेगरी है जिसकी सेल हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, तीनों चारों पैरामीटर्स के अंदर आती है, वो प्राइस में भी कम रहता है हमेशा, उसकी डिमांड भी हमेशा रहती है, और ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर भी आपको इन्वेंट्री की कोई इशू नहीं है। अगर आप इन्वेंट्री 10,000 भी करना चाहो ना तो आप कर सकते हो आराम से। तो सिंपल है, और ये वो कैटेगरी है आपकी मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल आते जाते हैं, मोबाइल की एसेसरीज़ आती जाती है, आप उसके अंदर मोबाइल के कवर, ग्लास गार्ड, एयरफोन्स टाइप, बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिस्ट कर सकते हो। हमारी खुद की कैटेगरी ये है, और मिनिमम पर डे के 1,000, 1,200, 1,500 ऑर्डर आपको आराम से रिसीव होंगे। पर इन तीन कैटेगरीज़ के लिए आपके पास होना चाहिए फंड। अगर आपके पास फंड है तो आप अच्छे से अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही पूरी चीज़ को समझना है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर हर एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।